क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? अंकल, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। रो मत बेटे, रो मत। तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बताओ, स्कूल की फीस कितनी है, बताओ। अंकल, यही कोई 20,000। क्या 20,000? स्कूल की फीस 20,000? घबराओ मत अंकल, ये पूरे साल की फीस है। नहीं दूंगा तो स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा। अंकल, आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना चाहता हूँ। क्या? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट? बेटे, लेकिन इतना सब तुम एक साथ कैसे बन पाओगे? हाँ अंकल, मैं बन जाऊंगा, पक्का विश्वास है। मैं बारी बारी से सब बन जाऊंगा, फिर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बेटे, रो मत, रो मत, तुम चिंता मत करो। मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ बेटे, पक्का वादा, मैं अभी करता हूँ। यहाँ भी होंगे पैसे, ओके, मैं ये भी ले लेता हूँ। यहाँ भी रखे थे, घर के पैसे लेके लेके जाऊंगा। ये लो बेटे, ये पैसे लो, जाओ और अपनी फीस भर दो, अच्छे से पढ़ो लिखो। थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे हो। अंकल, गोदी लो ना, प्लीज। थैंक यू अंकल, गोदी उठाकर थोड़ा दूर तक ले चलो ना। आपकी गोदी में मुझे अच्छा लग रहा है। अरे मोटू, ये किस बच्चे को गोद ले लिया? अरे ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। चायवल भैया, इसे कुछ समोसे खिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो जी। अरे मोटू, मैंने जो घर में पैसे रखे थे वो सारे पैसे कहाँ गए? अच्छा, वो पैसे वो मैंने एक बच्चे की मदद कर दी है, फीस भरने के लिए। मदद की? अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने जो पैसे शक्कर के डब्बे में, चावल के डब्बे में छुपा के रखे थे, तुमने वो पैसे भी ले लिए? एक मिनट पतलू, फोन आ रहा है। हेलो मोटू, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। जी सर, अभी आया। पतलू चलो, चिंगम सर बुला रहे हैं, चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे बेटे, अब क्या हो गया? मुझे स्कूल की फीस चाहिए 20,000। अरे बेटे, अभी तो तुम्हें कुछ देर पहले मैंने 20,000 रुपए दिए फीस के लिए, स्कूल फीस। तुम्हें फिर से 20,000 चाहिए? अरे भूल गए क्या, वो मैं ही था, मैं ही। मोटू अंकल, मुझे गोदी लो ना प्लीज। अरे गोदी क्यों लूं? बताता हूँ अंकल, पहले गोदी तो लो। थैंक यू अंकल, वो जो आपने 20,000 दिए थे वो सब मेरे मम्मी के ऑपरेशन में खर्च हो गए, खत्म हो गए। मैं स्कूल की फीस नहीं दे पाया क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बीमार है ना। रो मत बेटे, रो मत, कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं स्कूल की फीस का इंतजाम करता हूँ, यही रुकना। अरे मोटू, तुम कहाँ चले गए थे? अरे क्या बताऊँ पतलू, वो बच्चा मुझे फिर से मिल गया था, उसे 20,000 और चाहिए। ये तो चुके एक बार, और क्यों चाहिए? वो उसकी माँ के ऑपरेशन में लग गया, खर्च हो गए, पढ़ाई का फीस अभी बाकी है, बेचारा बहुत दुखी इंसान है। चिंगम सर, आपके पास 20,000 होंगे क्या? 20,000? मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? चिंगम सर प्लीज, एक गरीब बेसहारा बच्चे की फ्यूचर का सवाल है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना चाहता है। कितने बच्चे हैं? एक ही है। तो एक साथ फिर 3 दिन कैसे बनेगा? चिंगम सर प्लीज, आप ये सब छोड़ दो ना, बस आप पैसे दे दो प्लीज। थैंक यू चिंगम सर, मैं अभी उस बच्चे को देकर आता हूँ, अभी आया। बच्चे! ऊपर वाले, अगर आप मोटू अंकल की मदद करेंगे तो वो मेरी मदद करेंगे, वो बहुत ही अच्छे इंसान है।
ओ बेटे रो मत रो मत। ये रहे तुम्हारे 20,000। बेटे मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा अभी तक। क्या नाम है तुम्हारा? अंकल मेरा नाम जॉनी है, जॉनी। अंकल अंकल मेरी मम्मी आपसे मिलना चाहती है। ओके बाबा ओके, चलो चलते हैं। अरे मोटू हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ और इसकी मम्मी से मिलेंगे, चलो। बुलू गा रहे हैं, चलो चलो। मम्मी मम्मी देखो मोटू अंकल आए हैं, जिन्होंने मेरी मदद की थी और आपकी भी मदद की थी। ये देखो 20,000 रुपए और दिए हैं मेरी फीस भरने के लिए। बेटा तेरी पढ़ाई पूरी ना हो पाई, ये 20,000 तेरी बहन की शादी के लिए रख देती हूँ। ले बेटी ये तेरी शादी के लिए पैसे। तो इस बच्चे की पढ़ाई कैसे हो पाएगी? आप लोग है ना, आप लोग उसको 20,000 और दे ही देंगे, क्यों? हाँ हाँ ये पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा। मैं जाऊँगा, मैं इसके लिए फिर से और पैसे लेकर आऊँगा। मोटू कुछ गड़बड़ है, ये लोग तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। इतनी दर्द भरी कहानी सुनकर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? मोटू हाँ मैं समझ गया था कि वो नाटा सा छोटा सा बच्चा गोलू मोलू जॉन जैसा लगता है। अरे वो छोटा सा बच्चा तुम्हें जॉन लगता है? पतलू सोचो, दिमाग से सोचो, उसकी दाढ़ी मूछ है क्या? उसने जरूर मास्क लगाया होगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया सुनो। अंकल, मेरे लिए आप 20,000 रुपए ले आए। हाँ बेटे ले आया ले आया। मम्मी जी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, अब ऑपरेशन होने वाला है ना, उसी के लिए तो 20,000 लिए थे हमने। अरे अब आपका ऑपरेशन बिल्कुल फ्री में होगा। डॉक्टर झटका इनका ऑपरेशन कीजिए। मेरे भाई मेरी यार अभी करता हूँ यार। अब आपको 20,000 की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपसे शादी करने के लिए भी इंस्पेक्टर चिंगम तैयार है, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेंगे जिंदगी भर और ये आपसे अभी के अभी शादी करेंगे। मम्मी दे तो ये दादी तले का मुद्दे, मुझे दादी नहीं तलनी है। अरे हाँ करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी, 20,000 जो बचाने हैं। डॉक्टर झटका आप देख क्या रहे हैं, माता जी का ऑपरेशन कीजिए, शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब ये किस लिए? मेरे भाई मेरी यार सॉरी माता जी, इससे मैं आपका ऑपरेशन करूँगा, पेट में कट लगाऊंगा और अंदर की सारी बीमारी बाहर निकाल के फेंक दूंगा। अरे मगर डॉक्टर साहब अंदर की जान भी तो बाहर निकल जाएगी। नहीं जाएगी नहीं जाएगी, मैं कसम मेरे मरीजों की, आज तक मुझसे कोई भी पेशेंट नहीं बचा यारी। कोई नहीं बचा? क्या मतलब? मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब कोई पेशेंट की बीमारी आज तक मुझसे नहीं बची, ऐसा इलाज करता हूँ। बस आप अपनी आंखें बंद करके सो जाओ, मैं पेट में कट लगाता हूँ यारी, सॉरी माता जी। अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। इस बच्चे को ट्यूशन मैं दूंगा, मैं इसे पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर पायलट सब एक साथ बना दूंगा। जल्दी बताओ तुम्हें क्या क्या आता है? मुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता, इसकी अच्छी पिटाई करूंगा। ये पतलू टीचर है, बहुत सख्त है, मैं इनके सामने अगर कुछ बोलूंगा तो गलत बात होगी, इनकी मार खाओगे तो पायलट इंजीनियर डॉक्टर जरूर बन जाओगे। ठीक कहा कि नहीं? इसे कमरे के जाकर अच्छे से लगाता हूँ। मोटू मम्मी मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है। चलो शादी करते हैं। मुझे नहीं तलनी, मुझे नहीं तलनी। अरे जॉनी की बहना रुक जाओ। मुझे दादी नहीं तलनी, मुझे दादी नहीं।
अरे वो तुमसे शादी कर भी नहीं सकते। अब ये नाटक साटक बंद करो बेटे जॉनी, अब अपना असली चेहरा तो दिखाओ। मुझे फीस नहीं चाहिए, 20,000 नहीं चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं बनूंगा, मैं जो ही सीखूं। चिंगम सर मुझे जेल में ले चलो, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है।